ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಹುಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ पहले नंबर पे शुक्रिया. कॉन्टेस्ट रहते इलेक्शन 15 इयर्स बैक. अच्छा पास आउट किए थे सेकंड. मैडम कुछ ऑटो ना आंटी, कांग्रेस कुछ ऑटो ना फिर होना तो ये कांग्रेस मिला. काफी बड़ी रैली थी हमारी. थोड़ी देर गाड़ी में आए, फिर हम लोग पैदल चल रहे हैं. सुबह से मेरी थर्ड पदयात्रा है ये तो. अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस है. ये वार्ड नंबर 30 में भी हर जगह भी अच्छा है, मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस. कल आपने भी वो रैली भी देखी प्रियंका गांधी जी की, तो इंशाल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी इस बार ज़रूर कांग्रेस अपने गवर्नमेंट बनाएगी. तो राहुल जी जब वहाँ आए थे जेवरगी में, जब उन्होंने ऐलान किया था कि लेडीज़ के लिए बसेस फ्री रहेंगे, जहाँ भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या कहीं भी जाए, तो और पांचवी वादा पर उसी दिन ऐलान किया गया था. कल फिर से उन्होंने मैडम ने भी अनाउंस किया. और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब आए हैं, गुलबर्गा में हैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है वो 4-5 दिन के लिए. इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा उनके उनके साथ भी बहुत लोग जमा होंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है ये कि हमें गुलबर्गा से जो इतना बड़ा पोस्ट दिया गया है, तो हम तमाम इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे. उस पर बेकार बात है, प्रूफ क्या है, उनके पास ही है पूरा करप्शन. वो छोड़े किसी के लिए करप्शन बाकी. ये उन्होंने बताया कि मैं एमएलए ना रहते हुए भी मैंने काफी सारा नॉर्थ में डेवलपमेंट किया है. हॉस्पिटल बनाया है. कौन सा हॉस्पिटल बनाया उन्होंने? शेख रोजे में. झूठ बोलने वालों की कोई लिमिट ही नहीं है ना उनकी झूठ की. आप तमाम को भी मालूम है, सिवाय एमएलए के कोई भी ये फंड्स ला सकता है ना बना सकता है, बगैर पावर के कैसा ला सकते हैं. जेडीएस की तरफ से भी आपको लगातार टारगेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस बार मोहतरमा कनीज फातिमा इलेक्शन हार रही हैं. उनका मकसद वही है, उनका मकसद जीतने का नहीं है, उनका मकसद मेरे को हराने का है. इंशाल्लाह ताला वो कभी नहीं होगा. मेरी नीयत अच्छी है, उनकी नीयत पे देख के अल्लाह ताला उनको बताएंगा मजा उनका. तो मैं अपने अच्छी नीयत से आई हूँ, मैं आवाम में जीत कर मैं पब्लिक का काम करने के लिए आई हूँ. उनका मकसद एक ही है, बीजेपी जीतना. उन्हों हारने से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को हराने का उनका मकसद है. इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा, अल्लाह चाहा तो हम इस बार भी जीतेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड नंबर 29 और 30 में डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद लोगों का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह मैडम कनीज फातिमा के फेवर में है, कांग्रेस पार्टी के फेवर में है. इंशाल्लाह ताला इस बार फिर से मोहतरमा कनीज फातिमा बारी अक्सरत से जो है इंशाल्लाह फिर जीतेंगे. इंशाल्लाह आपके वार्ड में किस तरीके की कैंपेनिंग चल रही है, क्योंकि काफ़ी इलेक्शन टफ माना जा रहा है, तो वार्डों को किस तरीके से लोगों में कैंपेनिंग की जा रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई इस्माइल फैसल साहब 2 मरतबा कॉरपोरेटर थे एरिया से, अभी ये थर्ड टर्म है मेरा. खमरुस्सलाम साहब के दौर से भाई बड़े भाई साहब जब मेरे कॉरपोरेटर थे, ये एरिया के
95% पूरे काम हो चुके हैं। इंशाल्लाह एक 5% 10% काम कुछ बचा हुआ है मैडम के गाइडेंस पे, इंशाल्लाह वो भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बता रहे हैं 95% काम हुआ है, मगर दीगर जो पार्टीज है जैसे बीजेपी, जेडीएस, आम आदमी पार्टी है, वो बता रही है कि कांग्रेस के पीरियड में कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं, अभी आप डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारे साथ में है, अब मेरे एरिया में है फिलहाल, आप देख सकते हैं मेरे एरिया को, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोड यूजीडी वर्क, सीसी रोड वर्क, हर तरह का काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी का जो इशू है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, वो आवाम काफ़ी बता रहे हैं। नहीं, पिछले 6 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 का 90% पाइपलाइन मेरे एरिया में मैडम इनॉग्रेशन किए थे, उसके बाद 6 महीने में ऑलमोस्ट 80-90% जो है मेरे पास ऑलरेडी पाइपलाइन हो गई है। तो आपकी अवार्ड की वाम को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 10 तारीख को पोलिंग है। 10 तारीख 10 मई को इंशाल्लाह पोलिंग है। मैं गुलबर्गा नॉर्थ की आवाम से अपील करता हूँ कि और एक मरतबा मोहतरमा गणेश फातिमा मैडम को, मोहतरमा गणेश फातिमा मैडम के हक़ में वोट डाल के, कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट डाल के जिताइए। इंशाल्लाह हम फिर 5 साल और मेरा टर्म है एज ए कॉरपोरेटर, इंशाल्लाह उनके गाइडेंस में और इंशाल्लाह काम करेंगे।